नेक्स्ट रिजल्ट है कि जो लिंडलोफ स्पेस होगा उसके पास हेरिडेटरी प्रॉपर्टी नहीं होगी। अगर इसके पास हेरिडेटरी प्रॉपर्टी होती तो फिर क्या होल्ड होता? लिंडलोफ स्पेस का प्रत्येक सबस्पेस भी लिंडलोफ होता। तो अब इस स्टेटमेंट का नगेशन करेंगे तो इट मीन्स लिंडलोफ स्पेस का कोई एक लिंडलोफ स्पेस दिखाना है जिसका एक ऐसा सबस्पेस एग्जिस्ट करेगा जो लिंडलोफ नहीं है। तो हम यहाँ पर यही प्रूव करेंगे, लेट एक्स अनकाउंटेबल सेट ले लिया और एक्स नॉट इसमें से कोई भी एक पॉइंट उठा लिया कैपिटल एक्स सेट में से, और फिर हमने इस पे है ना एक्सक्लूडेड पॉइंट टोपोलॉजी डिफाइन कर दी। टी बी टी कंसिस्ट ऑफ कैपिटल एक्स ऑल दो सबसेट्स ऑफ टी, के अंदर कैपिटल एक्स के वो सबसेट आएंगे जो एक्स पॉइंट को कंटेन नहीं करते। अब हम ये प्रूव करके दिखाएंगे कि जो एक्सक्लूडेड पॉइंट टोपोलॉजिकल स्पेस होता है वो लिंडलोफ स्पेस होगा। तो ये लिंडलोफ स्पेस कब होगा? जब इसकी प्रत्येक ओपन कवर का क्या मिल जाए, काउंटेबल सब कवर। तो प्रत्येक ओपन कवर का तो नहीं दिखा सकते काउंटेबल सब कवर, तो कोई भी एक आर्बिट्रेरी ओपन कवर मान ली, जी नोटेशन दे दिया। अब ये ओपन कवर हो गई, ठीक है। सिंस ये बिल्कुल ठीक बात है यहां पर कि एक्स नोट पॉइंट को कंटेन करने वाला एक ही ओपन सेट होगा कैपिटल एक्स। एक्सक्लूडेड पॉइंट टोपोलॉजी में एक्स नोट, क्योंकि एक्सक्लूडेड पॉइंट टोपोलॉजी टोपोलॉजी एक्सक्लूडेड टोपोलॉजी में कौन से सबसेट आएंगे एक्स के? एक तो कैपिटल एक्स आएगा और एक वो सबसेट आएंगे कैपिटल एक्स के जो एक्स नोट को कंटेन नहीं करते। तो एक्स नोट को कंटेन करने वाला ओपन सेट एक ही होगा एक्स। तो फिर ये ओपन सेट हो गया, तो एक्स नोट इसके अंदर पॉइंट है और ये वाला कलेक्शन इसका ओपन कवर है। तो अगर ये वाला कलेक्शन ओपन कवर है तो फिर क्या होल्ड होगा? इसके प्रत्येक पॉइंट को कंटेन करने वाला इसके अंदर एक ओपन सेट जरूर मिलेगा। तो इसके अंदर पॉइंट एक्स नोट है, तो एक्स नोट को कंटेन करने वाला इसके अंदर कौन सा सेट मिल रहा है? कैपिटल एक्स मिल रहा है। तो कैपिटल सिंगलटन एक्स हो गया, ये सिंगलटन एक्स कलेक्शन। तो ये फाइनाइट कलेक्शन हो गया और जो फाइनाइट होता है वो काउंटेबल हो गया। तो ये इसकी सब सब कवर हो गई कैपिटल एक्स की, जो एक्स को कवर कर लेगी क्योंकि इसका यूनियन लेंगे तो एक्स के इक्वल टू ही आ जाएगा। तो जब भी कोई भी ओपन कवर उठाएंगे कैपिटल एक्स की तो उस हर ओपन कवर के अंदर कैपिटल एक्स तो हमेशा ही मिलेगा, और प्रत्येक ओपन कवर में से उसकी सब कवर बना देंगे सिंगलटन एक्स सेट लेके। तो ये जो स्पेस है ये लिंडलोफ स्पेस हो गया। अब हमें इसका एक सब स्पेस दिखाएंगे जो लिंडलोफ स्पेस नहीं है। तो वो किस तरह कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, हमने कैपिटल वाई मान लिया, ये लिखा हुआ है देयर एग्जिस्ट ए सब स्पेस। हम इसका एक सब स्पेस फाइंड आउट करेंगे जो लिंडलोफ स्पेस नहीं है। तो हमने कैपिटल वाई मान लिया, और कैपिटल वाई में किस तरह मानना है? कैपिटल एक्स डिफरेंस सिंगलटन सेट एक्स नोट लेट सबस्पेस जनरेट करना है। तो इस सेट के ऊपर जो रिलेटिव टोपोलॉजी है वो टी वाई डिफाइन कर दी। तो टी वाई के अंदर जो सेट्स हैं वो किस तरह आएंगे? जब जब वाई का इंटरसेक्शन होगा टी के मेंबर्स के साथ तो वो टी वाई के मेंबर्स होंगे। तो एक पॉइंट मान लिया कैपिटल वाई सेट में से, तो जो स्मॉल एक्स एलिमेंट है वो एक्स नोट के तो इक्वल टू नहीं हो सकता। अब ये जो सेट है ये टी टी का मेंबर होगा या नहीं होगा? तो टी का मेंबर क्यों होगा? क्योंकि टी के अंदर वो सेट्स आ रहे हैं जिसके अंदर एक्स नोट नहीं है। तो इसके अंदर एक्स नोट नहीं है तो फिर ये टी का मेंबर हो गया, और जब जब टी के मेंबर का वाई के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो वो टी वाई का मेंबर होगा। तो ये सिंगलटन सेट क्या हो गया? ओपन सेट हो गया, टी वाई ओपन सेट या ओपन सेट इन वाई। अब ये अनकाउंटेबल ओपन कवर हो गई कैपिटल वाई की सेट की, क्योंकि कैपिटल एक्स अनकाउंटेबल है। तो अनकाउंटेबल में से एक सिंगलटन सेट डिफरेंस कर देंगे तो वाई भी अनकाउंटेबल रहेगा। तो वाई में से कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट एक्स उठाया था तो एक्स के कोरस्पोंडिंग सिंगलटन सेट ओपन हो गया इन वाई, या इसकी टोपोलॉजी टी वाई में चला गया था। अगर वाई के अंदर से कोई दूसरा पॉइंट पी उठाएंगे
तो सिंगलटन पी वाई भी ओपन सेट हो जाएगा, टी वाई में चला जाएगा। तो ऐसे इसके अंदर से कितने पॉइंट्स ले सकते हैं? अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल पॉइंट्स के कोरस्पॉन्डिंग अनकाउंटेबल सिंगलटन सेट्स हो जाएंगे। तो ये अनकाउंटेबल ओपन सेट्स हो गए कैपिटल वाई के, अनकाउंटेबल कलेक्शन हो गया कैपिटल वाई का। तो इसके अंदर से काउंटेबल सेट्स उठा के क्या हम उनका यूनियन है वाई के बराबर लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते कभी भी, क्योंकि वाई अनकाउंटेबल है। तो काउंटेबल सेट्स यहाँ से उठा ही नहीं सकते, क्योंकि काउंटेबल सेट्स का यूनियन काउंटेबल आएगा लेकिन उनका यूनियन वाई के इक्वल टू नहीं आएगा, वाई अनकाउंटेबल है। तो ये एक ऐसा अनकाउंटेबल ओपन कवर दिखा दिया वाई सेट का जो काउंटेबल सब कवर नहीं रख रहा, तो इसलिए स्पेस क्या नहीं होगा, लिनियर स्पेस नहीं होगा।